नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू बहराज विश्वविद्यालय के जितने भी वार्षिक परीक्षा देने वाले स्टूडेंट हैं, सभी यूजी पीजी कोर्सेज के विद्यार्थियों के लिए इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपकी परीक्षा होगी उसका सेंटर दूसरे महाविद्यालय में जाएगा या सेल्फ रहेगा, इसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। और साथ ही आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो इस बार परीक्षा होगी वो जो उसका टाइम टेबल है कब तक जारी किया जाएगा और एडमिट कार्ड कब तक रिलीज किया जाएगा, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो में आप लोगों को एक और बड़ी जानकारी देने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं, आशा करता हूं आप लोग इस जानकारी को उन तक जरूर पहुंचाएंगे जो अभी तक अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए। दोस्तों, इस समय आप लोगों की जो परीक्षा फॉर्म है वो भरा जाना स्टार्ट हो गया है। अपने महाविद्यालय से संपर्क कर अपना जो परीक्षा फॉर्म है वो भरा लेंगे। जितने भी बैक के स्टूडेंट हैं या जो अनुपस्थित हुए थे या जिनका किसी कारणवश से फेल हुए हैं, सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है। उनको एक मौका दिया गया है, जल्द से जल्द अपना परीक्षा फॉर्म भरा लेंगे। दोस्तों, यह सारी जानकारी आप लोगों को बताएं इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भविष्य में ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती रहें। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका परीक्षा फॉर्म है वो दोस्तों भरा जाना तो स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर जो आपकी केंद्र निर्धारण का कार्य है वो दोस्तों 4 से 5 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आप जो 2022 में परीक्षा हुई थी वो सेल्फ थी, लेकिन इस बार जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है 2023 अप्रैल के दूसरे सप्ताह में, उसका दूसरे महाविद्यालय में उसका सेंटर जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर आपको बता दें जो विद्यार्थी चाहे छात्र हो या छात्रा, सभी का यहाँ पर सेंटर जाने वाला है दूसरे महाविद्यालयों में। ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, 15 से 20 किलोमीटर के रेंज में आप लोगों का जो परीक्षा सेंटर रहेगा। और यहाँ पर आपको बता दें एडमिट कार्ड आप लोगों का अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जब तक टाइम टेबल जारी नहीं होता है तब तक जो डेट है वो क्लियर नहीं होगी, लेकिन ऑफिशियल जानकारी ऑफिशियल नोटिस के जरिए अनुमानित यहाँ पर डेट बताई गई है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हैं। यहाँ पर आप लोगों का सेंटर लिस्ट जल्द जारी किया जाएगा के निर्धारण के बाद, सारी चीज़ें आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, चलिए, यदि आपके मन में कोई सवाल हो या सुझाव परीक्षा से रिलेटेड तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के जरिए हमें अपनी बात हमारे तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।